जारी है। पाकिस्तान में भीड़ का तालिबान चेहरा, दो भाइयों की पीट पीट कर हत्या, सैकड़ों के सामने डंडे से पीटा गया, दम तोड़ने तक होती रही पिटाई। वहशी भीड़ ने लाश को खंभे पर लटकाया। इन तस्वीरों को देखकर किसी का भी दिल दहल जाएगा। दिल को दहलाने वाली ये तस्वीर पाकिस्तान के सियालकोट की। यहां दो भाइयों को वहशी भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला। सैकड़ों की भीड़ के सामने हाथों में डंडा लेकर कुछ लोग दो सगे भाइयों को तब तक मारते रहे जब तक वो मर नहीं गए। यही नहीं, इन दोनों भाइयों को मारकर वहशी भीड़ ने इन्हें उल्टा एक खंभे पर लटका दिया। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये कांड पाकिस्तान की आजादी के दो दिन बाद 15 अगस्त को हुआ। मोईज और मुनीब नाम के ये दोनों भाई क्रिकेट खेलने गए थे। इनके पास एक बैग था जिसमें क्रिकेट का सामान रखा था, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इन दोनों भाइयों को लुटेरा समझ लिया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। बिना कुछ सोचे समझे भीड़ ने इन्हें डंडों से पीटना शुरू कर दिया। लोग इन्हें तब तक मारते रहे जब तक दोनों ने दम नहीं तोड़ दिया। इन्हें मारने के बाद वहशी भीड़ इनकी लाशों को घसीटती हुई एक खंभे तक लाई और इसके बाद दोनों भाइयों की लाशों को उल्टा करके उस खंभे से लटका दिया। बेरहमी का ये नंगा नाच सैकड़ों लोगों के सामने हुआ, लेकिन किसी ने उफ तक नहीं की। यहाँ तक कि वहाँ पुलिस के कुछ जवान भी मौजूद थे, उन्होंने भी खुली आंखों से सारा तमाशा देखा। पाकिस्तान के एक निजी चैनल पर ये वीडियो क्लिपिंग दिखाने के बाद पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। अब पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता दोनों बच्चों के घर पहुँच रहे हैं और वहशियाना हरकत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। Let us please work together. और ये एक एग्जांपल बनाया कि इनको हमने वही एंकर में जहाँ पे इन्होंने ये जुर्म किया। माना जा रहा है कि भीड़ में से किसी ने अपने मोबाइल से ये तस्वीरें कैद की है। इस घटना के बाद पाकिस्तान में सत्ता और विपक्ष के नेताओं ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करके दोषियों को पकड़े जाने का भरोसा दिलाया है। वही इस वीडियो के सामने आने के बाद लोगों का कहना है कि पाकिस्तान कानून नाम की कोई चीज नहीं है। कानून है ही नहीं, कानून खत्म है बस। पाकिस्तान में कोई दुनिया का कोई कानून नहीं। इस घटना को अपनी आंखों से देख रहे एक पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मासूमों की मौत के बाकी गुनहगार अभी भी शिकंजे से काफी दूर हैं।